ಸಂಜೀರ್ಣ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯ ಯೈಸ್ತದಾಲಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ವಂಶಾಕಲ್ಪದುರ್ಭಸ್ಸ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭೈವ ಚ ಪತಿತಾನಂಗ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಬೃಂದಾಯ ತುಳಸಿದತ್ತೈ ಪ್ರಿಯಾಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಚ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದದೇವೀ ಸತ್ತವತೈ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಬಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಬಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ತುಮ್ ಕುಛ್ ಬೋಲ್ ಸಕ್ತಾ ಹೋ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತಾ ಹೋ ಪ್ಲೀಜ್ शाम को बोलना ठीक है सब सब सबके सब दस दस मिनट सब बोलना शाम ठीक है तैयारी होकर के तो विषय पर आना ठीक है हाँ भागवत कोई कथा बढ़िया करके तैयारी करना आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री प्रभुपाद का उपदेशामृत है ने प्रभुपाद को प्रश्न किया है जैसे ये मंदिर जैसे प्रभुपाद ने 64 गौड़ीय मठ स्थापन किया है उसको परवर्ती समय में भी प्रभुपाद का शिष्य लोग भी ये गौड़ीय मठ को स्थापन किया है कभी यहाँ पर कह रहे उन्होंने जो मठ मंदिर स्थापन किया है उन्होंने क्यों जगत में ये मंदिर स्थापन किया है इसका उद्देश्य किया है तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं साधारण लोकेर अनुग्रह किछु मठ प्रतिष्ठित है नाई शुद्ध भक्तगणेर भजन उन्नति जन्यई मठ प्रतिष्ठित यहाँ पर कह रहे हैं ये जो मंदिर स्थापन किया है ये सचमुच से भगवान की जगत में शुद्ध भक्ति हो सबके सब भगवान की भजन करे और क्योंकि जो जीव है हम भगवान की जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण नित्यदास है और जब तक जीव भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक ही जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता है इसलिए प्रभुपाद ने मठ मंदिर स्थापन किया है जगत में शुद्ध भक्ति है विद्ध भक्ति नहीं शुद्ध भक्ति जगत में प्रचार हो कहते शुद्ध भक्ति कहते किसको है तथा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णावसनम भक्ति यह आता है कि नहीं ये इसका व्याख्या आता है कि नहीं अभी करना इसको बाद में अभी इसको बाद में करना तुम बोलो ठीक है इसलिए कहते ये इसमें रूप गोस्वामी ने गुरु जी कहा करते थे यद्यपि भक्ति की बहु शास्त्र में बहुत डेफिनेशन दी गई है कहते सा परान रक्ति ईश्वर है मतलब भगवान के प्रति श्रेष्ठ अनुराग प्रेम होनी चाहिए और कई बताया अनन्य ममता भक्ति ममता प्रेम संगता भगवान के चरण में अनन्य प्रेम होनी चाहिए जैसे उद्धव नारद इन लोगों ने जैसे भक्ति की है शास्त्र में अलग 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 भक्ति का डेफिनेशन बताई गई लेकिन गुरु जी कहते थे श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति की जो पूर्ण रूप में उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है ये अन्याभिलाषित श्लोकों का क्योंकि वहां पर केवल इतनी सी बात बताई गई भगवान के प्रति प्रेम होनी चाहिए भगवान के प्रति अनन्य भक्ति हो जैसे उद्धव नारद आदि किया है लेकिन कभी कभी बताया ना भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अगर कोई डॉक्टर के पास में गए उसको कोई बीमारी है डॉक्टर तो दवा देता है ना कहा देखो दवा तो दे रहा हूँ लेकिन परहेज के साथ में अगर दवा ग्रहण करोगे तभी दवा की असर पड़ेगी अगर बगैर परहेज को अगर दवा लोगे दवा तो ले सकते हो लेकिन उसका असर नहीं पड़ेगा लेकिन ये अन्याभिलाषिता जो श्लोक है उसमें हर चीज को बता दिया है हर चीज को बताया भगवान की भक्ति करने का साथ साथ
इसका जो प्रतिकूल चीज को भी छोड़ना पड़ेगा। केवल अनुकूल चीज को ग्रहण कर रहे हो लेकिन उसका जो प्रतिकूल चीज को छोड़ नहीं रहे हो, दवा तो ले रहे हो लेकिन दवा के साथ में परहेज नहीं कर रहे हो, फिर दवा की असर नहीं करेगी। लेकिन ये श्लोक में सब कुछ बता दिया, परहेज क्या करनी है और भक्ति, यद्यपि सभी भक्तों ने भक्ति की है लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है ना, कभी ये श्लोक में ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति की डेफिनेशन ये श्लोक में दिया है। जैसे बताया अन्याभिलाषिता शून्यम, कहते दूसरे अभिलाष त्याग देनी चाहिए भक्ति प्रतिकूल। फिर प्रश्न करते हैं कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, द्रौपदी जैसे भक्त कहते ना, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भगवत अहेतुकी। तो मेरे को धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदरी कविता नहीं चाहिए, विद्या नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए है, मेरा जन्म जन्म में भगवान की चरण में भक्ति हो। लेकिन यहाँ पर दिखाया द्रौपदी, द्रौपदी कितने बड़े भक्त है, पांच तरह का भक्त है, क्या क्या भक्त है बोलो, शांत कहते नहीं, ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त, बोलो प्रेमातुर। कहते पांच तरह का भक्त, कहते पांडव कौन सा भक्त है, प्रेमापर, प्रेमापर है, इसके ताली बजाओ। कहते प्रेमापर भक्त है लेकिन इतने शुद्ध भक्त है, कृष्ण जिनके लिए, कृष्ण जिनके घर में दिन रात कृष्ण रहते थे, इसलिए कहते गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, कहते स्वयं परम ब्रह्म परात्पर तत्व भगवान जिनके घर में निरंतर रहते थे हैं। सवेरे देखो जिनके घर को सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का लाइन लगी रहती थी, कृष्ण का दर्शन कब होगा, लेकिन वो कृष्ण कर रहे हैं क्या, दिन रात इनको साथ में चौकट कर रहे हैं, इनको साथ में हंसी दिल की कृष्ण कर रहे हैं, इनकी मित्र बन जाते हैं, इनका दूत बन जाते हैं, यहाँ का मैसेजर बन जाता है, इनका रक्षक बन जाते हैं, इनसे परामर्श लेते हैं, एक बिस्तरा में सोते हैं, कौन भगवान, मतलब इतने बड़े भक्त ये पांडव लोग, इतने बड़े भक्त है, इतने बड़े भक्त होकर फिर इनके अंदर में तो अन्याभिलाषिता दिखाई पड़ रहा है अन्याभिलाषिता। एक समय क्या हुआ, कृष्ण जा रहे थे, अर्जुन को मन में बड़ा अभिमान था, कृष्ण का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बड़ा अभिमान था। एक दिन कृष्ण परीक्षा करने के लिए बोले अर्जुन मेरे को प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी ले आओ। जब गए देखा एक साधु है, एक साधु और तलवार लेकर के ना उसमें क्या करते हैं, उसमें धार लगा रहे। तो अर्जुन ने कहा भैया ये तुम देखने मिले तो साधु लगते हो लेकिन उसे तलवार धार क्यों लगा रहे। बोले पांडवों को ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा तो गला काट दूंगा पूरा। बोले विशेष कर तो अर्जुन को, अर्जुन खुद था। बोले भैया क्या अर्जुन ने क्या कर दिया। बोले इतने दुष्ट है, इतने दुष्ट, इसका जैसे दुष्ट हो सकता है जगत में, बड़ा दुष्ट है, बदमाश ये। अर्जुन पूछा कहाँ फूटा भैया, क्यों क्या हो गया। बोले भगवान को अपना रथ का उन्होंने क्या किया, शांति बना दिया। जिस भगवान को सेवा करने के लिए विश्व ब्रह्मांड ललचते हैं, हैं ठाकुर को सेवा करने के लिए, लेकिन इन्होंने ठाकुर जी को रथ की चालक सारथी बना दिया। फिर भगवान का आदेश देता था हैं, ये घोड़ा थक गया, इसको घास खिला दो, इसको मालिश करा दो, मेरे रथ को ले चलो हैं। इतने दुष्ट अब विशेषकर द्रौपदी मिले तो पूरा गला ही काट दूंगा। बोले क्यों भैया क्या किया। बोले साधारण जब वस्त्र हरण हो रही थी, साधारण शरीर सड़ा गला हुआ शरीर, और इसी के लिए उन्होंने भगवान को पुकारा, कहां भगवान, द्वारका से भगवान को भाग भाग कर आना पड़ा, ये कोई भक्ति होता है। अर्जुन तो कांप गया, बोले भगवान हमने तो बड़ा गलती की, हमने बड़े गलती की है। इसलिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दिखा रहे हैं भैया द्रौपदी को अंदर में भी अन्याभिलाषिता दिखाई पड़ता है। बोले क्यों, जब उसकी वस्त्र हरण हो रही थी तो उसी समय उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान मेरे को रक्षा करो, हैं रक्षा करो, भगवान भाग भाग कर आना पड़ा। तो इनके अंदर में तो दिखाई पड़ता है, साधारण शरीर के लिए उन्होंने भगवान को पुकारा, फिर इसको क्या मानोगे। इसलिए तब यहाँ पर कहते हैं
कद अन्याभिलाषिता शून्यम, कद यहाँ पर जो अन्याभिलाषिता, यहाँ पर एक संस्कृत शब्द के ईण होता है, संस्कृत शब्द के ईण प्रत्यय होता है, ये ईण प्रत्यय वहां पर प्रयोग होता है संस्कृत का शब्द है, जहां पर सुस्त अवस्था में स्थिर मस्तिष्क में रहते समय जान बुझ करके ठाकुर जी हमारे लिए ये कर दो, ठाकुर जी हमें ये कर दो, ठाकुर जी हमारी इच्छा पूरी कर दो, ठाकुर जी हमें ये दिला दो, ठाकुर जी हमारी ये नहीं हुआ, जब सुस्त अवस्था में है, लेकिन उसी समय रहते हुए बारम्बार जो भगवान को बोलना हमारी इच्छा पूरी कर दो, कहते ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन हठात जैसे आपके घर में चोर डाकू आ गए, हठात आ गए, ठाकुर जी रक्षा करो, ठाकुर जी बचाओ, ठाकुर जी रक्षा करो चोर डाकू, कहते इसी समय इसको दोष नहीं मानी जाएगी। जैसे द्रौपदी की वस्त्र हरण हठात हो रही थी हैं भरी सभा में, उसी समय जो भगवान को उसने बुला लाए ठाकुर जी हे गोविंद राख शरण अब तक जीवन हारी, उन्होंने ये जो उन्होंने बताया है ये हठात विपत्ति में पढ़कर बताए, इसलिए इसको दुख इसको दोष उसमें नहीं मानी जाएगी है। इसलिए बोले अन्याभिलाषिता शून्यम, कहते या बोल दिया अन्याभिलाषिता नहीं होनी चाहिए, बोले ज्ञान कर्मादि अनावृतम भक्ति, ज्ञान कर्म से आवृत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान है ये कौन सा ज्ञान है, कहते ये ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान है, कितना तत्पदार्थ तम पदार्थ और जीव ब्रह्म का तीन तरह का ज्ञान होता है, भगवत ज्ञान जीव ज्ञान, और जो जीव जो ब्रह्म को साथ में लीन होना चाहते हैं ये जो ज्ञान है, हमें ये ज्ञान नहीं चाहिए, भगवत और जीव ज्ञान होनी चाहिए। जैसे अभी हम कथा सुन रहे हैं ये भी तो ज्ञान है ना, ये भी तो ज्ञान है, ये ज्ञान तो होनी चाहिए, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर अलस जा है तो कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, कहते जो तत्व ज्ञान होनी चाहिए, तत्व ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी जो भक्ति है ना वो डामाडोल सा होती रहेगा। इसलिए बोले तीन तरह का भक्त है, एक कनिष्ठ एक मध्यम एक उत्तम। कहते कनिष्ठ भक्त किसको कहते हैं, कहते कनिष्ठ भक्त उसी कहते हैं जिसका भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन जिसका भक्ति डामाडोल सा भक्ति है, कभी कर लिया कभी नहीं किया, कभी भजन किया कभी भजन कर नहीं पाए, कहते इनका जो भक्ति है वो डामाडोल भक्ति जिसका है उसको कनिष्ठ भक्ति कहते हैं। मध्यम भक्त किसको कहते हैं, मध्यम भक्त उसे कहते हैं अपना भक्ति को ठीक ठीक कर ले, अपना जो साधन भजन हरिनाम गुरु मंत्र जप करना ठाकुर को जो सेवा पूजा को दो सही सही कर ले, भले दूसरों को समझा नहीं पाए लेकिन अपना भक्ति को ठीक से कर ले। कहते उत्तम भक्त किसको कहते हैं, अपना भक्ति को तो पूरा कर ही ले और दूसरों को भी भक्ति में प्रेरणा दे दे, दूसरे कोई प्रश्न करे हैं कोई कोई प्रश्न इधर तो कोई प्रश्न करता है उनका प्रश्न का भी सही सही उत्तर दे पाए, दूसरों को भी भजन में लगा दे और अपना भक्ति भी जो ठीक से अपना भक्ति कर ले। कहते ये कौन से है, कहते ये उत्तम भक्त है, ये उत्तम भक्त है। इसलिए जो सिद्धांत जो तत्व ये समझनी चाहिए, इसलिए श्री बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, कहते किसका भक्ति कितना है पता कहीं चलेगा, बोले अपना संप्रदाय का विचार जिसको जितने अच्छे तरह से बढ़िया से पता है, अपना संप्रदाय का विचार को जो जितने अच्छे तरह से जानता है वो उतना बड़ा भक्त है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है हम भक्ति कर रहे हैं अगर थोड़ी कोई व्यक्ति आकर के इधर उधर थोड़ा बात करते ना हमें, अरे तुम्हारी संप्रदाय में ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, बस बुद्धि बदल गया, इसका बुद्धि बदल गया, कहते ये भक्त नहीं है, ये भक्त का भाव ही नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारी संप्रदाय का विचार तुम्हें पता है नहीं। इसलिए कहते वही भक्ति उतना भक्ति दृढ़ भक्ति जिसको अपना संप्रदाय का प्रति जिसको जितना अटूट विश्वास हो संप्रदाय का विचार तभी तो मन भजन में लगेगा ना, नहीं तो भजन में मन ही ले लेगा तुम्हारी। अरे सचमुच से अगर कोई इधर उधर कोई बात बोल दिया सचमुच से किया ऐसे है क्या और ऐसे क्यों बोल रहा था, नहीं भक्ति तुम्हारी गई, भक्ति तुम्हारी गई, ये नहीं अपना संप्रदाय महाप्रभु का विचार हमारे गौड़ीय विचार में जिसको जितने ठोस विचार हो जिसको जितने दृढ़ विश्वास हो वो उतना ही
भक्ति में परिपक्त है। इसलिए यहाँ पर कहते ज्ञान, ज्ञान कौन सा ज्ञान है? जीव ब्रह्म का ज्ञान। जो जीव चाहता है अपने आप को वो ब्रह्म में लीन कर देना, ये जो ज्ञान है कहती है भक्ति की प्रतिकूल है, है? ये भक्ति के चलो धर्म प्रोजित कर कपटता बताया है। जो जीव भगवान से मिलना चाहते हैं, ब्रह्म में मिल जाना चाहते, कपटता क्यों? वहां पर सेवा की कोई भावना है नहीं है। इसलिए बोले ज्ञान कर्म, बोले कर्म कर्म को द्वारा आवृत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम तो दिन भर, कल देखना दिन भर रोसी बनाने में लगा, ठाकुर जी के लिए खीर बनाओ, ठाकुर जी के लिए पकड़ा बनाओ, ठाकुर जी के लिए मखाना का सब खीर बनाओ, आलूदम बनाओ, सब्जी बनाओ, हैं? ठाकुर का सेवा किया, ठाकुर का मंदिर मार्जन कर, ये भी तो कर्म है, कहते ये भी तो कर्म है, बोले नहीं है। कहते यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोक अयम कर्मन। जब भगवान को भक्ति की छोड़ करके, भगवान की प्रेम की सेवा की छोड़ करके और कोई कर्म हो शरीर में मैं और मेरा पन रख करके, कहते वो कर्म बंधन। भगवान को छोड़ करके जो कर्म है कर्म बंधन है। लेकिन इस हर चीज जब हम ठाकुर जी के लिए करते हैं, राधा रानी दिन भर क्या करती है? कृष्ण के लिए रसोई बनाती है, कृष्ण के मंदिर मार्जन करती है, कृष्ण के लिए फूल की माला बनाती है, ठाकुर जी के श्रृंगार करती है, ये भी तो कर्म है। लेकिन ये कर्म किसके लिए है? भगवान ठाकुर जी के लिए कर्म है, कहते ये कर्म नहीं। लेकिन जहां पर मैं और मेरा करने वाला, मैं हूँ कर रहा हूँ, मेरे लिए कहते ये बंधन है। इसलिए कहते ज्ञान कर्मादि अनावृतम मत अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। कहते उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? बोले अनुकूलेन कृष्णानुशीलन, बोले जो काम करने पर है भगवान संतुष्ट हो वो काम को करनी चाहिए। जब काम करने पर ठाकुर जी की प्रीति हो, उसमें ठाकुर जी की संतोष हो, वो काम को हमें करनी चाहिए, है ठाकुर जी। फिर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी यहाँ फिर एक प्रश्न उठाया, उसमें एक बताया अव्याप्ति और एक अतिव्याप्ति और अव्याप्ति। बता सकते हो इसके विषय में अव्याप्ति क्या अतिव्याप्ति क्या, याद है? हाँ, इसलिए कहते कहते एक अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, इसको अच्छे तरह समझ लो है। कहते हैं कि अगर हम बोलेंगे जो काम करने पर कृष्णा प्रसन्न होते हैं वो काम करनी चाहिए, तब तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कृष्णा जब चारों मुष्टि को साथ में रंगशाला में कृष्णा जब लड़ाई कर रहे थे, हैं कृष्णा जब युद्ध कर रहे थे, उस समय अब देखो कि कृष्ण बलराम बड़े ही प्रसन्न है, हैं दाव मार रहे हैं, ए छाती का छाती, भाव की भाव, जंगे को जंगे, कृष्ण प्रसन्न होकर एकदम प्रसन्न होकर कृष्ण युद्ध कर रहे थे, खुश हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई पड़ता है? अगर बोलेंगे कृष्णानुशीलनम, जो काम करने पर कृष्ण प्रसन्न होते भक्ति, यहाँ पर तो कृष्ण बड़े खुश हो रहे थे, जब कृष्ण युद्ध कर रहे थे कृष्ण तो बड़े खुश हो रहे थे, हैं प्रसन्न हो रहे थे कृष्ण, बोले इसको भक्ति बोलेंगे? बोले नहीं। फिर बोलेंगे फिर चारों मुष्टि की भक्त है उनके साथ कृष्ण यहाँ वीर रस आस्वादन कर रहे थे। कहते ये चीज निर्भर करता है भक्तों का हृदय में क्या भावना, कहते ये भगवान के हृदय में भावना को निर्भर नहीं करता है, ये भक्त के हृदय में क्या भाव को देखना पड़ेगा। लेकिन चारों मुष्टि को क्या सोच रहे थे? अगर थोड़ी सी मौका मिले ऐसे पछाड़ दो ना इनको, दोनों को पीस दो, दोनों को पीस दो, मार डालो। इसलिए उनके हृदय में द्वेष भावना है, मारने की भावना है, यद्यपि यहाँ दिखाई पड़ता है कृष्ण प्रसन्न है। कहते यहाँ कहते यह क्या हो रहे हैं? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति मतलब भक्तों यहाँ पर भगवान में दिखाई पड़ता है भगवान प्रसन्न है, दिखाई पड़ता है भगवान प्रसन्न है, लेकिन यहाँ पर भक्ति ने दूसरे जगह पर दिखा था अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति मतलब है जब दूध उतल रहे थे, मैया जसोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी, बोले लाला थोड़ी सी गोद से उतर जा, दूध उफन रहा है, हैं? अगर ये दूध गिर जाएगा तो मलाई नहीं बनेगी। कहते दूध अगर उतर करके आग में गिरता बच्चे का अमंगल भी होता है, इसलिए लाला थोड़ी सी उतर जा।
थोड़े से दूध को रखा करके आप बोले आधा पेट भी भरा नहीं बोले उतर दा फिर को भर पेट दूध पिला करके जा मैया देखा इधर दूध भी उफन रहा है अभी यहाँ पुत भी उफन रहा है अभी दोनों उफन रहे हैं अभी क्या करनी चाहिए पहले किसको रखा करो बोले दूध को बोले क्यों बोले स्तन में मेरे जो दूध है ये बच्चा तो कभी भी पी सकता है लेकिन अगर वो दूध ऊपर कर गिर गया तो मलाई होगा कि फिर मक्खन नहीं बनेगा लाला के लिए मक्खन कहां से दूं फिर उसका अमंगल होगा इसलिए उन्होंने क्या किया कृष्ण नहीं चाह रहे थे लेकिन जोर जबरदस्त है बैठेगा नहीं बैठ पूरा लेकर चुप करके बैठा दिया और कृष्ण रोते रह गए लेकिन यहाँ क्या दिखाई पड़ता है भक्ति दिखाई नहीं पड़ता है अगर बोले जिसको द्वारा कृष्ण प्रसन्न होते वो काम करनी चाहिए यहाँ तो कृष्ण दुखी हो रहे तो फिर भक्ति होगी नहीं नहीं भक्ति है क्यों भक्तों का हृदय में क्या भावना देखो हैं मैया जसोदा के हृदय में क्या भावना तो उनको भावना क्या है लाला की अगर दूध ऊपर कर आग में गिर गया तो अमंगल होगा मलाई नहीं बनेगी मक्खन बनेगी नहीं लाला का मक्खन कहां से खिलाऊंगी जो भावना है सद्भावना कृष्ण की सेवा की भावना इसलिए यहां पर बोले ऐसे जो भक्ति है कृष्णानुशीलनम है कृष्ण की जो संपूर्ण इंद्रियों को द्वारा या एकादश इंद्रियों को द्वारा हैं जब हम कृष्ण के अनुशीलन कहेंगे कहते ये क्या होगा उत्तम भक्ति फिर यहाँ पर बताए भैया जो और भी भगवान क्या बता रहे जैसे मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह बामन भगवत दूसरे तो राम ये भी अब बता रहे इनको भी भक्ति करते लोग कहते ये क्या उत्तम भक्ति बोले भक्ति तो है लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति नहीं लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति किसको कहेंगे जब कृष्ण के लिए भक्ति करोगे क्योंकि जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है पूर्ण ब्रह्म सनातन है ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण कौन है कृष्ण है भक्ति जब कृष्ण के प्रति होगी समझो वो भक्ति उत्तम लेकिन तभी थोड़ी कमी रह गई बोले क्या चीज की बोले केवल कृष्ण भक्ति उत्तम भक्ति नहीं जब तक राधा जी की भक्ति नहीं इसलिए यहाँ पर केवल कृष्ण भक्ति नहीं बताया कृष्णा कृष्ण कौन है कृष्णा कृष्णा कौन है राधा रानी वो भक्ति तभी सर्वश्रेष्ठ भक्ति होगी अगर वो भक्ति कृष्णानुशीलनम मतलब जब राधा जी की भक्ति होगी हैं राधा कृष्ण की राधा रानी की अनुगत्य में जब वो भक्ति होएगी इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर के क्या कहते हैं अकेला माधव पूजय स्वज्ञानी राधा अनादर करय अभिमानी कबहु नाहि करबी ता कर संग चीते छसी जदी ब्रज रसरंग अगर किसको ब्रज भक्ति पाना है जो व्यक्ति अकेले कृष्ण को पूजा करते हैं उनका संग नहीं करनी चाहिए बोले अकेला माधव को पूजा से अज्ञानी वो अज्ञानी है राधा अनादर करे अभिमानी अभिमानी है ऐसे संग नहीं करनी चाहिए अगर जिसको कृष्ण ब्रज भक्ति चाहिए है इसलिए राधिकार दासी यदि है अभिमान अगर किसके अंदर में ये अभिमान आ जाए हम श्री ईश्वर जी की दासी है शीघ्र मिले तबे गोकुल का तभी कृष्ण उसको पूर्ण रूप में तब उसको कृष्ण मिलेंगे नहीं तो पूर्ण कृष्ण नहीं मिलेंगे इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं ये जो मंदिर बनाया प्रभुपाद ने उसका उद्देश्य क्या है उद्देश्य है यहाँ पर भगवान की शुद्ध भक्ति ठाकुर का शुद्ध भक्ति हो भगवान की कथा कीर्तन भगवान की सेवा पूजा हो इसलिए उन्होंने मंदिर को उन्होंने प्रभुपाद ने बनाया इसलिए साधारण लोग अनुग्रह ग्रह किचू मठ प्रतिष्ठित है नहीं है इसलिए ये मठ को कोई ये नहीं समझनी चाहिए अरे उसकी कृपा से हो गया उसका कृपा से हो गया उसकी हो गया ये एक मंदिर बन गया नहीं अगर मंदिर में हरि कथा कीर्तन ठाकुर की सेवा हो तभी तो मंदिर की सार्थकता है तभी मंदिर नहीं तो ईंट पत्थर का एक ढांचा खड़ा हो गया
यदि ईट पत्थर का ढांचा खड़ा हो गया है, इसलिए जहाँ हरि भक्ति शुद्ध भक्ति हो उसको मंदिर कहते हैं। इसलिए बोलते श्री कृष्ण कीर्तन द्वारा ही गौरांग सेवा है। बोले भगवान महाप्रभु का सेवा कैसे होएगा? बोले भगवान के कीर्तन के द्वारा, ठाकुर का कीर्तन हो, ठाकुर का नाम प्रचार हो, हैं? और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधस श्लोक तार प्रमाण। इसलिए कलयुग में भगवान की सेवा कैसे होगा? जब नवजोगेंद्र को नेमी महाराज ने प्रश्न किया, कलयुग का आराध्य कौन है, कलयुग का आराध्य कौन है, उनकी आराधना कैसे होगी? तो इसी श्लोक उत्तर में नवजोगेंद्र कहते हैं, बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधस। याद है श्लोक? तुम भी याद है, बता सकते हो मीनिंग इसकी? नहीं बता सकते, बहुत बार सुने। हाँ बता सकते नहीं, जब पता नहीं बोलो। बोलो। कृष्ण वर्णम तिसाम इसको उस तरफ में मार दो। अच्छा बढ़िया से बोलते हैं, बोलो। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण सांगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधस। कृष्ण वर्णम का अर्थ है कृष्ण में दो वर्ण है, क्रिया और श्रण, जो इन दो वर्णों का निरंतर उच्चारण करते रहते हैं। तिसा अकृष्ण, जिनकी कांति कैसी है? अकृष्ण अर्थात कृष्ण नहीं, कृष्ण का वर्ण कैसा है? सांवला। जिनकी कांति कैसी है? अकृष्ण मतलब कृष्ण नहीं है, गौर वर्ण है। तुसा अकृष्ण, जिनकी कांति गौर वर्ण है। सांगो पांग अस्त्र पार्षदम, जो अपने अंग और उपांग अस्त्र पार्षद के साथ अवतरित हुए हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधसा, जिनकी बुद्धिमान लोग, सुमेधसा मतलब बुद्धिमान लोग, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा आराधना करते हैं। ऐसे बताया चैतन्य महाप्रभु के बारे में, क्योंकि उनकी कांति कैसी है? गौर वर्ण। और सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, अंग कौन है उनके? नित्यानंद प्रभु। और पांग हैं अद्वैताचार्य जी और गदाधर प्रभु। अस्त्र उनका क्या है? नाम संकीर्तन। और पार्षद कौन है? श्रीवास आदि हैं वो पार्षद हैं। और नाम संकीर्तन जो है उनका यज्ञ है, जिसके द्वारा उनकी आराधना होती है, उसमें बताया। इसलिए एक श्लोक में देखो अच्छे तरह से कर, ये चीज को हमारे संप्रदाय लोग को अच्छे तरह से समझनी चाहिए, बढ़िया तरह से ये श्लोक को है। जैसे बहुत कहते ना, अरे साईं बाबा अवतार है, अमुक बाबा अवतार है, कलयुग में ये अवतार है, लोग दुनिया के अवतार कहते ना, ये अवतार। ये जो श्लोक है बोलेंगे भैया, दूसरे दूसरे जैसे लोग कहते हैं अमुक भगवान, राम कृष्ण भगवान, साईं बाबा भगवान, बाल कृष्ण भगवान, कितने कितने भगवान 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 कहते हैं। बोले तुम लोग भी महापुरुष ऐसे भगवान रूप में खड़े करते, तुम भी ऐसे महापुरुष भगवान बोलती? बोले नहीं, हम जिनको भगवान कह रहे हैं भागवत उसको कह रहे हैं। वहां पर तीन श्लोकों के द्वारा महाप्रभु को वहां पर स्थापन किया, तीन श्लोक से, क्योंकि उनका प्रश्न था कलयुग का अवतार कौन है और उनको कैसे आराधना की जाएगी, ये प्रश्न था है? ये नवी महाराज का प्रश्न है। इसलिए कहते हैं ये श्लोक में स्पष्ट रूप में बताया कलयुग का जो अवतार कौन है, चीज को अच्छे तरह समय दृढ़ विश्वास होने चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक प्रमाणित करते हैं, कहते कृष्ण वर्णम, ये जो कृष्ण दो अक्षर दो वर्ण है जिसको जुहा में निरंतर नृत्य करता, इसलिए महाप्रभु कहते ना कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पहिमा,
राम राघव राम राघव राम राघव रक्षम। हर समय जिनके जुहा में महाप्रभु हर समय कृष्ण कीर्तन करते थे हैं, कहते उनका जो अंग कांति है ये महाभारत में भी कहते हैं, कहते उनकी आठ लक्षण महाप्रभु के अंदर में आठ लक्षण वहां पर बताए हैं, इसलिए वहां पर भी महाभारत में वहां पर बताया क्या है कृष्ण वहां पर क्या श्लोक क्या है बोलो, महाभारत में कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक महाभारत में है? हाँ, पूरा श्लोक को बोलो, पूरा श्लोक क्या है? सुवर्ण वर्ण हिमांग बरांग चंदन अंगदी, ये श्लोक है महाभारत का। सुवर्ण जिनके शरीर का रंग कैसे है, सोने की जैसे, क्योंकि जितने भगवत अवतार देखोगे ना सबके सब काले हैं, सब काले, कोई गोरे नहीं है, केवल एक चैतन्य महाप्रभु है जो गौर वर्ण के। सुवर्ण वर्ण हेमांग, हेमांग मतलब होता है जिनका शरीर बहुत कोमल है, हैं बहुत कोमल है। बरांग, बरांग मतलब जिसका अंदर में 64, जिनका अंदर में 26 गुण था हैं, उनका बाहु कैसे होनी चाहिए, अंगुल, नासिका, आंखें, मुंह, कला में त्रिवली, ये सब बताया। उनके अंदर में महापुरुष के अंदर में 26 गुण होनी चाहिए, इसलिए महापुरुष कैसे थे, अजान लंबित भुजौ कनका बदातौ, जिनका अजान लंबित भुजौ, आंख एकदम कमल पकुड़ी जैसे हैं, अजान लंबित भुजौ कनका बदातौ संकीर्तने का पितरौ, संकीर्तन का जो पिता है हैं, इसलिए हैं, इसलिए गदगद जो श्लोक बताया ना महाप्रभु के ऊपर में, इसलिए उनके अंदर सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदन अंगदी, जो सुंदर चंदन चर्चित दिव्य कलेवर, सुंदर जो चंदन लगाया करते थे, इसलिए जब वो गृहस्थ लीला में थे उनके अंदर में चार लक्षण बताए, जब संन्यास हुए उनके अंदर में भी चार गुण, सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंद संन्यासी क्रीत, जिन्होंने संन्यासी दंड का मंडल ग्रहण किया है। शांति अत्यंत अत्यंत जो शांति युक्त है, राधा कृष्ण का चरण में जिनकी अत्यंत निष्ठा है, ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु है ये महाभारत में भी ये बताए। और उन्होंने दारु ब्रह्म निकटस्थ संन्यासी कौरव विग्रह, जब उन्होंने संन्यासी ग्रहण करेंगे कहाँ पर जाकर रुकेंगे, बोले श्री जगन्नाथपुरी में दारु ब्रह्म जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में रुके थे गंभीरा में, वहां पर भी बताते हैं संन्यासी गौरव विग्रह, उन्होंने गौरव विग्रह लेकर के संन्यासी ग्रहण करके वहीं रुकेंगे। फिर बताए हैं, कहते सच्ची सूत भविष्यामी, कहां पर जन्म लेंगे, मायापुरे, वहां पर भी बताया मायापुर में सच्ची माँ की बेटे बन करके मैं वहां पर आऊंगा है, वहां पर मैं सच्ची नंदन गौरव हरि बन करके आऊंगा, और विश्व ब्रह्मांड का संकीर्तन, इस सब शास्त्र में ना इतने श्लोक बताए कलयुग में महाप्रभु भगवान, कितने श्लोक, इसलिए हमारे महाराज जी गुरुदेव ने उन्होंने बड़े सुंदर एक ग्रंथ ही निकाले महाप्रभु का कलयुग में आने का महाप्रभु का प्रमाण कहाँ पर है, ये श्लोक को याद करने चाहिए। याद किया ला तुम लोगों ने, याद क्या थे कि नहीं तुम लोग, गौरी घटा दे, इसलिए यहाँ पर बताए कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण, इसलिए उनका जो शरीर कैसा होगा, कृष्ण रंग नहीं, काले काले नहीं, गोरे होंगे हैं। सांग पांग अस्त्र पार्षदम, अपना सांग मतलब अंग नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य, और उनने अपना गदाधर पंडित श्रीवास आदि समस्त भक्तों को लेकर के, और कलयुग में अस्त्र किया है, तृतीया युग में भगवान धनुष धारण किया, द्वापर युग में कृष्ण चक्र, कलयुग में क्या है, हरिनाम संकीर्तन है, बोलो हरिनाम संकीर्तन ही अस्त्र कैसे, अस्त्र से उन्होंने क्या किया, सबको मारे, लेकिन कलयुग में भी मारे, लेकिन ऊपर से मारे नहीं अंदर से मारे, जान से किसको मारे नहीं, उनको हृदय से, हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह है उसको उन्होंने हरिनाम को द्वारा उन्होंने उनको खत्म किया है। चेत दर्पण मार्जनम, बोले एबे अस्त्र नाधरिल प्राणे कारे ना मारिल, इसी अवतार में उन्होंने अस्त्र धारण नहीं किया, किसको, जान से नहीं मारा,
सभी को उन्होंने हृदय से ही हृदय को परिवर्तन करके जगाई माता जी से पापी के हृदय से परिवर्तन करके सभी का हृदय में उन्होंने प्रेम को भर दिया, उन्होंने प्रेम को उन्होंने भर दिया है। इसलिए कहते कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे क्या करेंगे, ये संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा भगवान को आराधना करेंगे। कौन करेंगे? सुमेधस, जो बुद्धिमान। और जो मूर्ख लोग है, कोई बोलेगा यज्ञ करो, कोई बोलेगा ध्यान करो, कोई बोलेगा दान करो, कोई बोलेगा पुण्य करो, वो सब इधर उधर भागेंगे। लेकिन कलयुग में जो बुद्धिमान होंगे इधर उधर नहीं जा करके भगवान को नाम संकीर्तन के द्वारा ही उनको आराधना करेंगे। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती इति षोडश नामनम कलि कल्मष नाशनम नाथ परत उपाय सर्ववेदेषु दिशति, इसको याद कर लेना। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये कहते, बोले पार्वती ये कलयुग में ये जो सोलनाम जो 32 अक्षर है, ये सोलनाम ये जो 32 अक्षर है यही कलयुग का ही महामंत्र है, यही कलयुग का महामंत्र। कहते इति षोडश नामनम कलि कल्मष नाशनम है, बोले नाथ परत उपाय, अगर और कोई उपाय द्वारा करे सर्व वेदेषु दृश्यते, समस्त वेद में दिखाई पड़ा, ये सोलनाम 32 अक्षर ही कलयुग का पाप को नष्ट करने वाले और कोई उपाय है नहीं है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहेंगे कि जो श्लोक है ये इसका प्रमाण है। इसलिए कृष्ण गौर लीला आदर्श जीवर एकमात्र मंगल पथ कहते हैं। कहते हैं जो कृष्ण ने, जो कलयुग में कृष्ण ही जो श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आकर के जो उन्होंने आदर्श दिया है, इसलिए बोले साधु पावा बड़ कष्ट जीवर जानिया साधु गुरु रूप में कृष्ण आयला ने दिया। कलयुग में महाप्रभु रूप में क्यों आए, कारण क्या है, हैं वो तो कृष्ण स्वयं है। बोले साधु पावा बड़ कष्ट जीवर जाना, उन्होंने देखा कलयुग में साधु मिलना बहुत कठिन है, इसलिए भगवान ही एक साधु का रूप धारण करते हुए जगत में आए और साधु का आदर्श कैसे होनी चाहिए, उनके रहन सहन कैसे होनी चाहिए, उनकी चाल चलन कैसे होनी चाहिए, उनकी साधन भजन कैसे होनी चाहिए, भगवान स्वयं ठाकुर जी स्वयं एक साधु बन करके उन्होंने जगत में एक आदर्श रूप में उन्होंने जगत में उन्होंने सबको दिखाया। भैया साधु बनना तो ऐसे ही साधु बननी चाहिए है। महापुरुष दिन रात कृष्ण प्रेम में रोया करते थे, कृष्ण नाम लेते थे, कृष्ण नाम को प्रचार करते थे और दिन रात भगवान की भजन करते थे, गंभीरा में रहते थे, छोटे घर में रह करके दिन रात कृष्ण के लिए रोया करते थे। कृष्ण कृष्ण के लिए रोते, कृष्ण कृष्ण के लिए स्वयं रोते थे। इसलिए इन्होंने एक साधु का आदर्श को लेकर के जगत में आए और दिखाया साधु बनना तो ऐसे ही हम साधु बन सकते हैं, हैं? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं एकमात्र मंगल पथ। क्या मंगल पथ है, बोले महाप्रभु रूप में उन्होंने जो लीला की है ये हमारी मंगल पथ। इसलिए बोले गाव पुनः पुनः गौरांग मन सरल है अमन एन भुवने एमन दयालु नेत्र कीजिए एक जन। इसलिए क्या करो, महाप्रभु का नाम करो, महाप्रभु का गुण गाओ, महाप्रभु की भजन करो, हैं महाप्रभु को। इसलिए कहते हैं मन कहना गौर कथा, इसलिए मन को कहते मन हर समय महाप्रभु की कथा बोलो, महाप्रभु की कथा सुनो, महाप्रभु का चिंतन करो, हैं। इसलिए क्या जीव को इसमें ही जीव का कल्याण है। कहते केवल दुई एक्टी टाका द्वारा मठेर उपकार पावाई अमादर मंगल न। इसलिए अगर कोई बोलेगा हमने दो चार रुपया दे दिया मंदिर के लिए, कुछ मंदिर के लिए, कहते ये क्या सब कुछ है, बोले नहीं ये सब कुछ नहीं है, हैं थोड़ी सी पैसा दे करके हैं, कहते सब समझ लिए कोई नहीं, हमने दो चार पैसा दे दिया यही सब कुछ हो गया, प्रभुपाद के सब कुछ नहीं है। कहते बाह्य लोग निकट है थे सहज लैवार जन्य आमादर आग्रह नित हो उचित न, परंतु निखुत सत्य कथा बोलिया यदि कहा रहो उपकार करते पारो तबई कृष्ण से कृष्ण सेवा मय मठेर सेवा करिया धन्य है।
यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे कभी उल्टा पलटा कुछ लोग है, कोई अगर थोड़ी सी कुछ पैसा दे दिया, कोई कुछ पैसा दे दिया, कहती ये क्या सब कुछ? बोले नहीं, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, जो मंदिर की सेवा के लिए कुछ दे रहा है, उनको कुछ सुकृति होगी, उनको सुकृति होगी। पैसा द्वारा देने पर क्या होगा? उनको सुकृति होगी, क्योंकि ठाकुर को सेवा के लिए दिया। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, केवल पैसा थोड़ी देके सब कुछ नहीं। बोले जब तक ही महाप्रभु को विचारधारा को, उनके सिद्धांत को, उनका तत्व दर्शन को अगर जब तक तो कोई नहीं समझे, कभी ये पूरा कृपा नहीं। अगर कोई अर्थ को दे करके फिर भगवान की भक्ति को समझे, भगवान की भजन को बारे में समझे, फिर तो ये है पूर्ण दया। महाप्रभु को समझो, ये पूर्ण दया तभी जब भगवान की भजन में लग जाए, ठाकुर जी की भक्ति में लगे, समझो ये सबसे बड़े दया भक्ति में। इसलिए एक समय भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज के पास में दो भक्त कथा सुनने के लिए आते थे। एक बहुत गरीब था और एक बहुत धनी था। जो गरीब था उसने धनी व्यक्ति से उसी समय में 500 रुपया ऋण लिया था। वो 500 रुपया की बहुत कीमत है उसी समय में। अभी दोनों कथा सुनते सुनते जो साधारण व्यक्ति था कथा सुनता था, सुनते 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 उसकी अंदर में ये भावना आई, क्या आई? सचमुच से ये जीवन दुर्लभ है। 84 लाख जन्मों के बाद में ये मानव शरीर मिला। ये जीवन की तभी सार्थकता जब ये जीवन द्वारा भगवान की भजन करे, भगवान की भक्ति करे, तभी ये जीवन की सार्थकता। भगवान बारंबार ये जीवन नहीं दिए। बहुत भाग्य से बड़े भाग माँ नसत पावा, बड़े भाग्य से मिला है। अगर ये जीवन पाकर भजन नहीं किया तो भगवान कहते हैं फिर तो सरपटक रह जाओगे, तेरे को मानव शरीर ठाकुर जी द्वारा देंगे नहीं और जीवन तुमको मिलेगा नहीं। ये कथा सुनते 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 अभी उसका रोम रोम में बैठ गया। क्या है भैया? जितना जल्दी हो भगवान कहते तृणम। तृणम मतलब क्या? कितना कल कर सो आज करो और आज कर सो अब। पल में प्रलय होगी, बहुरी रहेगी। इसलिए भक्ति कैसे करनी चाहिए? नहीं, सब काम करके मिटा करके सारे काम को, सारे काम को निपटा करके भजन करेंगे। बोले काम क्या निपटाओगे? खुद निपट जाओगे। तुम क्या काम निपटोगे? अभी तो किसी का काम निपटा है? अभी तो किसी काम कभी निपटा है? किसकी कभी निपटा ही नहीं किसी का काम। बोले खुद निपट जाओगे, काम कभी तुम्हारी निपटेगा नहीं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं उद्धव जी? तृणम जतेत न फतेत अनमृत जावत। जितने जल्दी से जल्दी हो, जितने जल्दी भगवान के भजन में लग जाओ, क्योंकि विषय खलु सर्वत्र स्यात्। जो विषय भोग है, संसार भोग, बताओ कौन सा जीवन में तुमने नहीं किया था? सुअर बना तो सुअर मिले, कुत्ते बने तो कुत्ती बनी, और गधा बना तो गधी मिली। हर जीवन में तो यही काम करते करते आए। इसलिए भगवान कहते हैं, कहते भैया ये चीज को एक जीवन के लिए स्टॉप करो, एक जीवन बंद करो इस चीज को, क्योंकि हम यही करते करते जो चीज करेंगे वही संस्कार पड़ता है। जो करोगे वही संस्कार तुम्हारे हृदय में पड़ेगा। जो करोगे हैं यही काम करते करते तुम आए। इसलिए त्रिविक्रम महाराज कहते थे इस जीवन में इस चीज को स्टॉप करो, क्योंकि कहते परम दृष्टवा निवर्तन्ते। इसलिए कहते प्रवृत्ति रेशा नाम निवृत्तेस्तु महाफला। कि जो प्रवृत्ति मार्ग भोग मार्ग से जो निवृत्ति मार्ग सही फल है, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं ना वो अंदर में कुछ संस्कार बनते जा रहे, रील बनते जा रहे, कुछ हर चीज संस्कार बनते जा रहे। जो जो काम करते हैं हम यही यही काम करते करते आए। अगर इसी जीवन में फिर वही काम करना शुरू करते गया तुम्हारे संस्कार पंस्कार गया, तुम्हारे सारे संस्कार खत्म हो गया। इसलिए लोग कहते थे एक जीवन इसको स्टॉप कर दो, बंद कर दो। बंद कर क्या करो? भगवान के भजन में लगो। लगने पर क्या होगा? वहीं से तुम्हारी अच्छी संस्कार धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जा जाएगा। वो कहते थे ये जीवन तो हर जीवन रिजर्व कर लिए, करके क्या है जिंदगी में? जिस जीवन गया तो वही संसार विषय भोग किया है, फिर इसी जीवन में फिर विषय भोग मिल गया, फिर गया तुम्हारी जीवन, जीवन तुम्हारी गया है। इसलिए कहते तुम जितने जल्दी हो प्रभु के भजन में लग जाओ। अभी सब कथा सुनते 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 ना उसका हृदय में बैठ गया, भैया जल्दी जल्दी मंदिर में आकर के गुरु जी के शरण में रहकर भजन करनी चाहिए। एक दिन उन्होंने भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज को बोले गुरु जी मेरे मन में इच्छा है आपके चरण में आकर के मंदिर में रहे, ठाकुर का आपके चरण की सेवा करें। बोले बेटा आ जा मंदिर में रहो। बोले गुरु जी
लेकिन एक दिक्कत है। बोले क्या है? आपके पास वो जो धनी व्यक्ति आता है ना, आपका शिष्य है, उससे मैंने 500 रुपया ऋण लिया है। उस समय 500 रुपया की बहुत कीमत है। अगर जिंदगी भर भी कोशिश करो उसका ऋणी को चुकाने के लिए, मैं ऋणी की भी चुका ही नहीं सकता। फिर तो गुरुजी फिर ऋणी चुकाए अगर आ जाए फिर वो पकड़ेगा, साधु बन गया, पैसा लेकर के पैसा दो, अभी कहाँ से दो। तब गुरुदेव ने कहा बेटा कोई चिंता मत करो, वो भी मेरा शिष्य है, वो आएगा तो मैं बोल दूंगा तुमको 500 रुपया छोड़ दे, 500 रुपया छोड़ दे। इसलिए फिर गुरुजी ये तो बड़ी कृपा हो रही, फिर तो मैं आपकी सेवा कर सकता। वो शाम का आया जो पैसा वाले, तब महाराज ने पूछा तेरे पास से अमुक व्यक्ति ने 500 रुपया लिया है? बोले हाँ गुरुजी, उसने मेरे से 500 रुपया लिया है। बोले देखे बेटा उसकी इच्छा है वो मंदिर में आकर के रह करके संपूर्ण रूप में फुल टाइम ठाकुर को सेवा गुरुजी की सेवा करना चाहता है। वो कहता है 500 रुपया मैं तो कभी जिंदगी में चुका नहीं पाऊंगा, तुमने छोड़ दोगे 500 रुपया को? बोले गुरुजी अगर आपको शरण में आ गया, अगर मंदिर में आकर भजन करेगा, 500 रुपया क्या 5000 रुपया होता तभी मैंने पैसा छोड़ देता। क्योंकि हम दोनों ही कथा यहाँ सुनते हैं, लेकिन अभी तक मेरे हृदय में कोई वैराग्य की भाव नहीं आया, वैराग्य भाव नहीं आया है। कम से कम उसने भगवान की कथा सुनते सुनते उसके हृदय में संपूर्ण रूप में ठाकुर के चरण की सेवा की भावना आई। इसलिए अगर आपकी सेवा करेगा तो आपका तो कृपा मिलेगा, पैसा तो हर जीवन में मिल जाएगी, लेकिन ये चीज तो मिलेगी नहीं, कृपा तो नहीं मिलेगी। हम छोड़ देता, मैं इसको छोड़ देता। इसलिए फिर उन्होंने संपूर्ण रूप में आकर भजन किया। ये चीज को हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज उदाहरण इसलिए देते थे, कोई कोई कहता है ना अगर हम कृष्ण भक्ति में आ गए फिर अभी तक जो दूसरे दूसरे देवादेव को पूजा करते थे फिर क्या होगा, फिर वो बिगड़ नहीं जाएगी हमारे भर में? अगर कुछ अनहोनी लोग का ही डर ना, अनहोनी भरे होने लग जाएगा तो लोग डर है ना संसार में। तो महाराज कहते थे सारा दुनिया ऋणी ठाकुर से लिया है, भगवान से। जब कोई व्यक्ति प्रभु की शरण में आ जाता है ना, अपने आप उसकी सारी ऋणी से अपने आप उसकी मुक्ति मिल जाती है, अपने आप मुक्ति मिल जाती है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते जो रुपया पैसा देना सेवा है, लेकिन सर्वोत्तम सेवा किया है जो संपूर्ण अपना जीवन को जो प्रभु की भजन में जो लगा दिया है, कहते ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ सेवा असली सेवा जो अपना जीवन को गुरु वैष्णव ठाकुर के सेवा में जो लगा देते हैं, यही सेवा ही वास्तव रूप में सेवा है, जो कृष्णमय अपना जीवन को कृष्णमय बना दे हैं। तबे कृष्ण सेवामय मठेर सेवा करिया धन्य है वो हैं। इसलिए संपूर्ण रूप में जो परोपकार है, यदि क्या है सत्य कथा को समझ करके, सत्य क्या है ये जीवन दुर्लभ है, बारंबार जीवन ठाकुर जी नहीं देते। अगर इसी जीवन में भजन नहीं किया तो फिर 84 लाख जन्म में फेर जाना पड़ेगा। ये जीवन का क्षण मात्र भी नष्ट नहीं करते हुए क्या करो, भगवान के भजन में जीवन को लगा दो। ये निखुद सत्य है, ये सही सत्य है, हैं? कहते यह चीज को समझ करके जो जीवन को प्रभु की भजन में लगा देते हैं, ये चीज जगत में सर्वश्रेष्ठ दान ये है। इसलिए लोग अनेक समय अमादरे सहित कपटता खेलिबे, एगुली के भगवान रे परीक्षा जानिबे, जीवरे सौभाग्य ना थाकिले दुष्पारा माया के अतिक्रम करा कठिन। प्रभुपाद कहते हैं कहते कभी कभी लोग हम लोगों को साथ में कपटता भी करेंगे, लेकिन ये सब भगवान की परीक्षा है, भगवान की परीक्षा। अगर जैसे भजन करते करते अगर इधर उधर कुछ जीवन में हो जाता है, यहाँ पर समझना ये भगवान परीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी तुम्हें परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उसमें विचलित नहीं हो करके थोड़ी थोड़ी बात में इधर उधर बुद्धि को उसमें खराब कर उसमें लगा दिया, नहीं ये तो होता रहेगा, ये चीज तो होती रहेगी, ये तो माया की संसार है, माया की सब के सब परीक्षा है। इसे थोड़ी बहुत बात में मन को विचलित नहीं करनी चाहिए, प्रभुपाद कहते ये भगवान की ये परीक्षा है। हरिदास ठाकुर किसने गुरुदेव को बोले गुरुदेव हम भजन कर रहे हैं, ये विपत्ति वो विपत्ति ये संसार में ये, गुरुदेव ने कहा प्रहलाद जैसे विपत्ति आई तुम्हारे जीवन में, जैसे पहाड़ को ऊपर से जैसे प्रहलाद को पहाड़ का ऊपर से फेंक दिया, किसने तेरे को फेंक दिया, तेरे को आग में, गुरुदेव कहते तेरे को अभी तक किसने आग में बैठकर जलाया, अभी तेरे किसने विष पिलाया,
किसने तेरे बाप को सामने फेंक दिया, किसने तुम्हारे पत्थर बांध करके तेरे को पानी में कोई फेंक दिया तेरे को। हरिदास ठाकुर जैसे 22 बजर में पिटाई हुई, पांडव जैसे 13 साल के लिए 12 साल के लिए जंगल में तुमने भटके, इसमें आदर्श है। कुरेश का दोनों आंख निकाल दिया, कभी ये सब स्थिति हुई, लेकिन इन लोगों ने भजन छिया छोड़ा, भगवान ने भजन नहीं छोड़ा, गुरुदेव उदाहरण देते थे। अब थोड़ी मेरी कुछ आ गया तो बस माला पाला छोड़ दी, भजन भजन छोड़ दी, नहीं मंदिर आना बंद। इसलिए भैया थोड़ी मेरी जीवन विपद में विभाती आए तो इसमें प्रभुपाद कहते इसमें झुलसना नहीं, सत लांछना सत गंजना सत अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना है। भगवान की भजन दुनिया छोड़ दो, लेकिन प्रभु की भजन नहीं छोड़ो। दुनिया तेरे को एक दिन छोड़ देंगे, तेरे को एक दिन दुनिया छोड़ देंगे, भले ही इनके लिए जितना क्यों नहीं करो है। अभी तक तो संसार में सबकी सेवा करते करते अभी तक तो हमारे पर कोई खुश है? देखे ना हमारे पीछे सब चुगली करते होंगे, बेटा बेटी नाती बहू है, सब चुगली करते हैं सबके सब पीछे। जो चुगली करते हैं जिंदगी भर तुम्हारी, उसको पीछे तो दिन भर तुम लगे हुए हो, और जो देने वाले उसके लिए कुछ है नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं जीवर सौभाग्य था के दुष्पर माया के अतिक्रम करा जाए। कहते जीव का जो परम सौभाग्य होता है तभी जीव ये माया से तभी जीव है उस पार में जा सकता। मायावादी वो भोगी उभय ही बद्ध जीव। हरि प्रपन्न जन गनई कृष्ण भजन कृपाए हिता हित ज्ञान विशिष्ट। कहते हित और अहित, अच्छा और बुरा है। कहते अच्छा और बुरा यहाँ पर कहते हैं, कहते भैया जन भक्तगण कृपा हरि प्रपन्न जन गनई कृष्ण भक्त कृपाए। कहते ये हित और अहित जीव को पता कब चलता है? बोले जब सचमुच से हम भगवान की भक्तों का संग करते हैं, भगवान की भजन करते हैं ना, भक्तों का संग करते हैं, हमें सचमुच से पता चलता जीवन में सही किया और गलत किया है। कहते ना चक्षुर उन्मिलितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः, अज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन सखा। जो अपना आंखों को ज्ञान रूपी काजल लगा करके क्या करते हैं, हमें जो आंखों में दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, कहते ये असली ज्ञान है। ये असली ज्ञान क्या है? कहते हित अहित, हित और अहित, ये ज्ञान कब पता चलता है? कहते केवल साधु संग से पता चलता। एक छोटी स्टोरी सुन लो, ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय कोई एक चेला गुरु जी को पास में कथा सुनने जाता था। गुरुदेव समझाया करते थे, बोले बेटा संसार में कोई प्रेम नहीं, ये संसार में केवल स्वार्थ है। वो जो प्रेम तुमको दिख रहा है इसलिए दिख रहा है चूंकि तुमसे कुछ मिल रहा है, और मिलना बंद हो जाए सब संबंध उस समय खत्म हो जाता है। इसलिए बेटा संसार में कहीं प्रेम नहीं, ये सब उसका स्वार्थ है। इतने में चेला कहता है, गुरुदेव आप तो घर गृहस्थ किया ही, बीवी बच्चे तो आप गए नहीं, आप कैसे पता चला संसार में प्रेम नहीं? बोले बेटा मैं सब जानता हूँ। बोले बिना शादी के कैसे पता चला है? आपको पता नहीं, मैं जब तक घर में नहीं जाता हूँ ना, मेरे पत्नी मेरी राह देखती रहती है, बच्चे मेरी राह देखती है, अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो रोने लग जाते, कहाँ गए पापा जी, कहाँ गए पिताजी हैं। इसलिए आप और मेरे पिता माता बहुत मेरे को प्रेम करते, पत्नी बच्चे तो सोच भी नहीं सकते हो। बोले बेटा देखोगे देखोगे संसार में कितने प्रेम। बोले गुरुदेव क्या दिखाओगे? बोले तेरे को एक मंत्र देता हूँ, ये मंत्र को ले, और ये मंत्र पढ़ते ही ना शरीर तुम्हारी छूट जाएगी है, लेकिन तू सारी बात को सुन पाओगे, मरोगे नहीं, सारी बात कौन क्या बोल रहे थे सुन पाओगे है। और ऐसे एक जगह पर गिरना जो पिलर के बीच में, जब तक तो पिलर काटे नहीं तब तक जैसे तुम निकल नहीं पाए बस, और जाकर घर में बोल देना मेरे शरीर सही नहीं लग रहा है, अगर कुछ गड़बड़ी हो तो गुरु जी को बुला लेना, बस इतना बोल देना, देख लेना सब बस। उतने ठीक वैसे ही कर लिया, जैसे एकदम गिर पड़े जैसे मरा हुआ व्यक्ति हो, घर में रोना धोना क्या हो गया क्या हो गया, क्यों दोनों पिलर के बीच में एकदम हाथ पैर फेंक कर गिरा पड़ा हुआ। अभी पत्नी कह रही है मैं क्यों नहीं मर गई, ये रहते थे कमा करके बच्चों को खिला देते, पिता माता कहते हम बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, हम बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, इसलिए अगर हम दोनों क्यों नहीं मर गए, बच्चा भी जवान है, बच्चों को कौन पालेगा, बच्चे लोग रहे हम क्यों नहीं मर गए, पिताजी रहते थे संसार पाल सब, बोले हम क्यों नहीं मर गए, ये क्यों मर गए, इसलिए हम मर गए और ये बच्चे।
जाए। इतने में तब उन्होंने बोला था अगर कुछ हो जाए तो गुरुजी को बुला लेना। उन्हें भागते भागते गुरुजी के पास में आए, आकर देखा बस मरा पड़ा हुआ। गुरुजी ने कहा अभी अभी तो आश्रम में से आया। बोले हाँ गुरुदेव आश्रम में तो अभी अभी आए, पता नहीं क्या हो गया। बोले तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है और ये तो मर गए। नाक में रुई लगा कर देखा श्वास बंद है, नाड़ी बंद है, हैं। इतने में बोले क्या किया जाए, एक सब रो रहे धो रहे थे। इतने में गुरुदेव ने कहा देखो इनका जीवन मिल सकता है लेकिन एक उपाय। बोले क्या है? बोले कोई एक व्यक्ति को उसको प्राण देना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति को उसको प्राण दे दोगे ना ये फिर जिंदा हो जाएगा, लेकिन जो प्राण देगा मर जाएगा। इससे जब उन्होंने बोले ये बच सकता है, बोले गुरुदेव आप जो बोलोगे शो करने के लिए तैयार है, बताओ बचेगा कैसे। बोले ये बस इतना बोलते ही रोना धोना खत्म, क्योंकि प्राण देने का समय आ गया ना। कोई मरेगा तब तो बचेगा। वो सब धीरे 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 पीछे हटने लग गए, पीछे हटने लग गए। बोले भैया क्या हो गया बताओ, कौन प्राण देगा ये बच्चे का? तब पिता माता को बोले आप तो बोल रहे थे बच्चा जवान, हम बूढ़ा भी हो गए, इसलिए हम क्यों नहीं मर गए, इसलिए आप प्राण दे दो। आप कहते हैं गुरुदेव मरा हुआ बच्चे थोड़ी जिंदा रहता है, मरा हुआ व्यक्ति थोड़ी जिंदा रहता है, एक दिन सबको मरना है। जब मर गया छोड़ दो, हम बूढ़ा बूढ़ी और कितना दिन जिया जिंदा रहेंगे, थोड़ी अच्छे अच्छे बुरे चीज खा करके थोड़ी जीवन बिताने वाले हैं और कितना परमा रह गया, वो मर गया छोड़ दो और जला दो। पत्नी से बोले भैया तुम प्राण दे दो। बोले गुरुजी पिता माता का मैं एक लौता बेटी हूँ, अगर मैं मर जाऊंगी तो हमारे पिता माता दुखी हो जाएगी, इसलिए मरा हुआ व्यक्ति थोड़ी जिंदा होता है, मर गया छोड़ दे जला दो। बच्चों से पूछे बोले अभी तो हम जवान है, अभी तो हमको जिंदगी जीना है, खाना पीना पूरा जीवन देखा ही नहीं, इसलिए जला दो क्या होगा। बोले दो पिलर को बीच में फंसा हुआ, बोले इसका शरीर तो निकालने के लिए तो एक पिलर को तोड़ना पड़ेगा। पत्नी बोली पिलर तोड़ोगे? अरे पिलर तोड़ोगे तो फिर इसको बनाएगा कौन, तो चले गए फूल चले गए, इसलिए तोड़े फिर इसको बनाएगा कौन। बोले इसका हाथ पैर काट करके निकाल दो ना। तो उन्होंने इतने बड़ा धारवाल ना खड़ग लिया, बोले इससे काट करके, वो तो जिंदा है ना सब देख रहा है, वो मरा नहीं सब सुन रहा था, वो कौन क्या हुआ। सचमुच से देखा जो पत्नी इतने बड़े इतने बड़े तलवार ले आए, बोले भगवान मैं तो जिंदा मेरे को काट नहीं दे, हैं इतने मेरे को काट नहीं दे, कांप रहा है सारा प्यार निकल गया वो तो कांप गए। इतने में बोले इतने में गुरु जी बोले देखो प्राण कोई नहीं दोगे। बोले गुरुदेव मर गया जो मर गया जला दो, गुरुदेव अगर मैं प्राण दे दूं तो बोले गुरुजी इससे आप ही मर जाओ, हैं आप ही प्राण दे दो, आप ला दो बीबी बच्चे को, आप ही प्राण दे दो और हमारे बेटा जिंदा हो जाएगा, हैं इसलिए आप ही मर जाओ। गुरु जी बोले ठीक है मैं ही मर जाता हूँ। इतने में गुरु जी तो मरा नहीं था ना, वो तो जिंदा था, उसको छाती पर हाथ धरा और उसने मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ते जग गया। जब जग गया इतने में गुरुजी जाने लगे तो चेला भी पीछे पीछे चलने लगे। सब बोले तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ पिताजी बोले, पत्नी बोले, बच्चे बोले। बोले तो मैं सोच रहा था मेरे को तो तुम लोग बड़े प्रेम करते हो प्यार करते हो, आज तो मेरे को पता चला भैया मेरे को कोई प्रेम, हाथ प्यार तो काटने के लिए तैयार हो गए थे अभी, मैं तो सोच रहा था सचमुच से काट नहीं दे, मैं तो जिंदा था, मैं सुन रहा था मेरे को कौन कितना प्रेम कर रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, जिसने प्राण दिया उसको साथ में भी जा रहा हूँ। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कद हरि प्रतन, जो भगवान के चरण में शरणागत व्यक्ति भजन करने व्यक्ति है ना, वो ज्ञान और अज्ञान प्रेम और स्वार्थ को वही सचमुच से समझ सकते हैं। अनेक भोग प्राधान्य चालित भैया सत्य उपलब्धि है ते विरत है जानियो। यहाँ पर प्रभुपाद कहते लोग बहुत जगत का लोग है सचमुच से सत्य असत्य के ज्ञान नहीं जानते हैं और संसार का विषय की माया के प्रति धावित होते हैं, भोग में प्रवृत्त होकर के जो वास्तव हमारा जो कौन है जगत रे पिता कृष्ण, हमारा जो असली जो बंधु है तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविण तुमेव तो मैं बम सर्वम मम देव। कौन है हमारे भाई बंधु पुत्र? भगवान ही
ये चीज को बहुत कम लोग जान पाते हैं, और ज्यादा लोग इसी संसार में मैं मेरा करके हाँ भगवान को तो पिता माता भाई बंधु नहीं मान करके दूसरों को मान लेते हैं। शीघ्र ही माया गया प्रबलत भावे प्रचार प्रचार करिवार इच्छा छे कृष्ण चाहे ले निश्चय कार्य परिणत है। तो प्रभुपाद कहते हैं हमारी इच्छा है, क्या इच्छा है, जितना जल्दी से जल्दी जा करके प्रबल भाव में ये हरि कथा को भगवत कथा को जगत में प्रचार करने की इच्छा है। अगर भगवान कृष्ण की इच्छा होगा तो फिर तो निश्चय ही भगवान की इच्छा पूरी होगी, और लोग वास्तव सत्य को जान करके क्या करेंगे, भगवान को ही अपना सब कुछ मान करके प्रभु की शरण में जाकर के प्रभु की भजन करेंगे। इसलिए प्रभुपाद इसकी ये उत्तर देते हैं, वंचाकल कृपा सिंधु पावने भो वैष्णव भो नम नम मकर संक्रांति आज का दिन ना मथुरा में बहुत दान पुण्य आता था, हम लोग घर घर में भिक्षा में जाते थे, साधु संतों को दान करने का बड़ा महिमा। अब सोच नहीं सकता आज का दिन मथुरा में इतने खिचड़ी चावल और खिचड़ी और जो रबड़ी क्या बोलते हैं और फल फूल से भगवान मथुरा में इतने आता था वहां पर, क्योंकि आज का दिन नियम है गंगा सागर में सब स्नान करके साधु संत को दान देते थे, और वहां पर यमुना नदी रहती थी, यमुना में सबके सब स्नान करके मथुरा मठ में बहुत चीज दान देते बंद करते नहीं नहीं। इसलिए देखो आज गंगा सागर में नहाने का आज बड़ा महत्व है, लेकिन जो आप लोग लाइव में जो कथा सुन रहे हो आप लोग असली गंगा सागर में स्नान किया है, क्योंकि जो गंगा सागर में नहाने से फिर पाप दोबारा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कथा रूपी गंगा सागर में जो स्नान करते हैं उसको संपूर्ण गंगा सागर स्नान करने का उसको फल मिलता है। असली जो गंगा सागर गंगा क्या करती है, कहती है सगर महाराज का 10,000 संतान को उन्होंने उधार आज ने किया था है इसलिए गंगा सागर में, लेकिन ये गंगा सागर तो केवल उन्हें पाप से मुक्त दिलाया, लेकिन हरि कथा रूपी जो गंगा सागर है कहते पाप तापम तथा धन्यम हरे सत्समागम। यहाँ पर बताए बोले गंगा पापम, गंगा क्या करती है पाप को नष्ट करती है, सूर्य ताप चंद्र तापम चंद्रमा क्या करती है ताप को दूर करती है, धन्य कल्प तरु हरे दुख दारिद्र को कौन कष्ट दूर करता है कल्प वृक्ष, लेकिन पाप तापम तथा तापम हरे सत्समागम, ये जो पाप को ताप को धन्य को ये सत्संग ही हरि कथा ही दूर करता है। इसलिए आप लोग जो हरि कथा सुन रहे हो सही गंगा सागर में आप लोग सब स्नान कर लिया है, इसलिए और यहाँ पर देख लो ये जो पानी है हमारी राधा रमण प्रभु जी गंगा सागर से पानी लाए थे, हम भी थोड़ा अपना सर के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, आप लोग मानसिक रूप में वहीं बैठे बैठे करके ये पानी को सर पर छिड़का लो, बस आपको पूरा गंगा सागर में नहाना है, ठीक है बोले गंगा सागर की जय। आ जाओ इधर सबके सब एक एक करके गंगा सागर आपको प्रतिमित्रा दे रहा हूँ इसमें पहुंच जाएगा आज शाम को उसको ले आना, ठीक है शाम को ले आना, शाम को व्रत पारायण भी कर लो, टाइम हो गया हाँ गिर गया महाप्रसाद लेकर के व्रत खोलो, हाँ व्रत पालन करो, इसमें छेक करना छेक इसमें ऐसे निकाल दो सबको इसमें दे दो सामने, तो यहाँ सामने क्या है ये जमुना बहरी हाँ गंगा जी बहरी है ना गंगा जी गंगा जी जल्दी
बाबा सबर सबर दान कर दिया चकाचक। ए आज आज बढ़िया खिचड़ी बननी चाहिए। मैं शाम के टाइम भी शाम शाम को गुरु जी जल देना है बना देंगे तो चाओ ना बने अब सब लोग शाम का ये सबको खिचड़ी खिलाएंगे। सुबह सुबह मैं आपको मिला बड़ा दूध लो गंगा सागर पानी लो मेरे घर से ना ये एक माला ले आना और एक झोली ले आना। से उठाते हो पत्नी आती है मंदिर कल वो भी ले गई ना भरी नाम कल कल ले गई पत्नी वो आपकी पत्नी थी कल मैं भी आना चाहता साथ में कहीं बिजी हो गया था ये भी जानते हो तुम। हाँ ठीक ठीक कल कल के तुलसी ले आना आनंद वर्मा बड़े भाई है जी हमारे। आनंद वर्मा को जानते होंगे आप वे बड़े भाई है जी हमारे। अरे भाई ठीक बैठ दाबनाला सामा संसार दहनी दर्द जीव कुल उधर कारणी करुणा बारी दम कृपा बारी दानी बंदी से गुरु शरण कमला नृत्य गीत बाज प्रियहरि कीर्तने रहे नमगन महामत मनी रोमांच संपासु हाय गौरा।